हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई समय हो रहा है 8:41, मस्त ठंडी वाला मौसम है भाई, बहुत मस्त मजा आ रही है। और आज है संडे, संडे को जाते हैं भाई सरकारी काम से शहर से बाहर, तो दोनों भाई जाएंगे। भाई साहब अभी चाय बना रहे, चाय पानी पी लें, फटाफट नहा धोकर तैयार हो जाए, उसके बाद मिलते हैं। भाई साहब आ गए भैया घर, और बढ़िया गाड़ी को धुलवा के ले आए हैं। धूल भर गई थी वहां रखे ऑफिस में, धुलवा दी है ना, मस्त धुलवा के साफ करवा के ले आए हैं। समय हो रहा है 12:05 हो गए हैं, बहुत लेट हो गया भाई। दोनों भाई हो गए तैयार, जैकेट पहन ली क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तो के लिए ड्यूटी पे जा रहे हैं बस। नहीं भैया ऐसा नहीं है, 5 घंटे ड्यूटी ना करोगे का? 5 घंटे इनके लिए नाम की ड्यूटी होती, बता यार है, ऐसी बात करते हैं। हम तो 5 मिनट भी देते तो हम तो ड्यूटी जोड़ लेते अपनी, तो 5 घंटे दे रहे। तो गाइस गाड़ी मस्त चकाचक हो चुकी है, अब यहाँ से फटाफट चलते हैं। गाड़ी देखो कितनी शाइनिंग मार रही, बहुत बढ़िया। मैं धुलवा के लिया, मैंने पैर में पूरा स्प्रे मार दिया है। हाँ सही बात है, लंबे सफर में जाएंगे तो दर्द बढ़ जाता है। गाड़ी मोड़ो फटाफट, अपन बैठे और चले यहाँ से। स्टार्ट नहीं हो रही, किक मारना पड़ेगा क्या? किक मारोगे तो पाँव में दर्द हो जाएगा भाई। जहाँ हमें पहुँचना था भाई, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। समय हो रहा है 1:05, दिन भर रहेंगे मीटिंग में भाई बीजी, दिन में मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी। मुलाकात होगी भाई अब सीधे शाम को, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है और उसको निपटाना भी बहुत ज़रूरी है, तो सीधे मिलते हैं शाम को। मीटिंग हो गई भाई ख़त्म, समय हो गया ठीक 4 बजे। हमें तो लग रहा था कि 5:30 बजेंगे भाई, 4 बजे फ्री हो गए। भाई साहब गाड़ी निकाल रहे हैं, अपन यहाँ से सीधे चलते हैं अब घर। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर गाड़ी चलते हुए चलेगी भाई घर। बड़ा अच्छा कि जल्दी फुर्सत हो गए हैं। हम लोग रुक गए भाई हाईवे पर टी ब्रेक के लिए। यहाँ मिल गए बढ़िया हमको क्रीम रोल, देखो वाले क्रीम रोल क्रीम रोल मिल गए। तो भाई साहब बोलते हैं कि क्रीम रोल खाते हैं जब तक बढ़िया खांटी दूध की खाकी चाय बन रही, बढ़िया गाढ़े गाढ़े भैंसिये के दूध की चाय, ठीक है ना, चाय पियेंगे तब जाएंगे भाई। और सूरज भगवान की लालिमा चेहरे पर बढ़िया अच्छी आ रही होगी। और भाई एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, आज हम 9 तारीख के बाद आज हाईवे पर हमने रनिंग करी है, लगभग में हमारी 70 किलोमीटर की रनिंग हो गई है। कोहनी में हवा लग रही है तो भयंकर तेज पेन हो रहा है, पाँव में भी पेन होने लगा भाई साहब के। पर भाई बोलते हैं ना कि जज्बा है तो कुछ भी हो जाएगा। ड्यूटी के लिए भाई हम 70 किलोमीटर की रनिंग कर लिए, बड़ा शानदार मजा आ रहा है। 170 चले जाएंगे, हाँ 170 चले जाएंगे भाई, 70 किलोमीटर की कर लिए हैं। अभी तकलीफ थी, डॉक्टर ने उसे गाड़ी चलाने को मना किया था, उसके बाद ही भाई ड्यूटी है तो ड्यूटी है। बढ़िया हम आउटडोर आके अपनी ड्यूटी निभा के अब वापस लौट रहे हैं शानदार, और क्रीम रोल का आनंद ले रहे हैं, इसके बाद पियेंगे मस्त चाय। क्रीम गायब है, ठीक है भैया, क्या होता है कहीं कहीं में क्रीम रोल नहीं रहता, क्रीम रहता है रोल नहीं रहता, रोल रहता तो क्रीम नहीं रहता। तो ये मेरे में तो पूरे में निकला है, शानदार मस्त आज इन्जॉयमेंट हो रहा है। 9 तारीख के बाद हाईवे पर चलने में थोड़ा सा अजीब टाइप का तो लग रहा है क्योंकि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, पर मस्त रनिंग हो रही भाई। जब कैसा लग रहा है बताओ? मजा आ गया ना, और चेहरे पर अच्छी धूप लग रही मस्त, बहुत बढ़िया बन गई भाई। गर्मा गर्म चाय ये देखो शानदार, बड़े बड़े मग्घे में ले लिया अपन ने, ठीक है ना, क्योंकि सुबह से अपन ने चाय नहीं पिया भाई। लंच तो हमने कर लिया था, बस चाय के लिए बिल्कुल तलब थी, और हम वहाँ से इंतजार करते करते आ रहे कि ये दुकान आएगी तभी चाय पियेंगे, नहीं तो और कहीं नहीं पियेंगे, क्योंकि भैया चाय मस्त बनती यहाँ पर। और जहाँ की सुनो, और एक चीज याद रखना, जहाँ चाय अच्छा मिले उसको तो भैया डायरी में नोट कर लो कि चाय यही अच्छी मिलती है, वही रुको, बाकी फालतू जगह कहीं ना रुको। बढ़िया चाय का आनंद लेते हैं, और ये पीछे जो रास्ता दिख रहा है इस पर सीधे अपने घर की तरफ बढ़ चलते हैं। की तरफ जाती जाने की जबलपुर जाती, जबलपुर जाती है भैया। भाई साहब घर आए, नहा धोकर हो गए तैयार, और भाई साहब ने बना दिया भाई गर्मा गर्म नाश्ता। ये देखो आलू पोहा वाला पोहा, इसमें आलू नहीं है, मिर्चे से तड़का डाला, राई जीरा है, और बहुत स्वादिष्ट पोहा दिख रहा है, और ताजी हल्दी जली, तो लेमन कलर कितना सुंदर उभर के आ रहा है भाई, लाइट येल्लो कितना शानदार, खुशबू बहुत अच्छी आ रही। गाइस खुशबू आ रही क्या? गाइस खुशबू आ रही क्या आपको? खुशबू आ रही क्या है? नाश्ता करने के बाद भाई मैं बैठ गया था ब्लॉग एडिटिंग करने के लिए, और भाई साहब जाके मस्त सो गए थे।
अब मैं ब्लॉग एडिट करते 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 बहुत ज्यादा समय बीत गया। अब भाई साहब के खर्राटे की आवाज मेरे कान में आने लगी तो मुझे भी नींद सी आने लगी। भाई मैंने साइड में रखा मोबाइल और रजाई ओढ़ा और सीधे पट से सो गया। भाई पूरी सवा घंटे की नींद लेने के बाद मस्त अभी उठा हूँ, मुंह हाथ धोके हो गया फुर्सत। और भाई बाहर से आओ ना थकान सी हो जाती है, कितना भी चाहो कि ना सो पर भाई सोना पड़ता ही है, और सो लो तो उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बोलते हैं ना, नींद जब आ जाए तो सो जाओ, नींद को परेशान करोगे तो नींद आपको परेशान करेगी। इसलिए भैया हम नींद को परेशान बिल्कुल नहीं करते हैं, हम तो सो जाते हैं। मस्त मजा आ गई भाई सो के उठे, अब अच्छा सा लग रहा है। डिनर टाइम मम्मी पापा ने डिनर कर लिया भाई, हम दोनों भाई बैठे आराम से। तो भाई अभी हम लोग लेट हो गए ना क्योंकि सो के उठे हैं, तो भाई सब खाना गर्म कर रहे हैं बढ़िया गंजी में। देखो पूरी गंजी में दाल चावल सब एक में मिक्स कर लिया, और क्या बना भाई? गोभी की सब्जी है बॉस, गोभी की सब्जी है मस्त, उसमें कुछ कुछ और भी डाला है, देखता हूँ अभी थाली में लेते तो भाजी भी है, गोभी भाजी मिक्स है। अच्छा मिक्स सब्जी बनी है, गर्मा गर्म थाली भाई तैयार है, ठीक है ना। ये देखो पालक की दाल है और चावल है एक में मिक्स हो गया है, और ये गोभी टमाटर और भाजी की बहुत शानदार सब्जी है। तो भाई ये है लाजवाब खाना। समय हो रहा है 12:45, हो गई अच्छी खासी रात, और भाई साहब गरम कर रहे हैं दूध, मस्त गरम गरम दूध पीते हैं और रजाई में भाई सोएंगे, ठीक है ना। तो व्लॉग की करते हैं यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।